हाँ, सभी प्रश्नों का जवाब। एक माता है, उम्र 65 है, 20 साल से नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाती है, उपाय बताइए। बहुत सरल बात है, सामान्यतया कोई भी शरीर में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से जब नीचे होता है तो नींद नहीं आती है। अगर इसके शरीर में नॉर्मल लेवल से ऊपर कैल्शियम हम लाने की कोशिश करें तो अपने आप ठीक हो जाता है। तो कैल्शियम को ऊपर लाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, एक तो सुबह में मौसमी और संतरे का फल हमें खाना चाहिए, जूस नहीं। 30 साल के बाद में हमारे शरीर को एजिंग फैक्टर टच होता है और एजिंग फैक्टर में हमारे शरीर में से कैल्शियम ड्रेन आउट होना शुरू होता है, इसलिए हमारे शरीर में बुढ़ापा आता है। इसको अगर हमें रोकना है तो आहार में हमें कैल्शियम तो मिलता ही है, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर कैल्शियम को होल्ड नहीं कर पाता है इसलिए ड्रेन आउट हो जाता है। मौसमी और संतरे का फल ऐसा फल है कि जो शरीर में दूसरे आहारों में से गए हुए कैल्शियम को शरीर में पकड़ के रखता है, रिटेन करता है, इसलिए शरीर में कैल्शियम रिटेन होता है और कैल्शियम रुकता है, कैल्शियम रुकने से अपने आप कैल्शियम बढ़ता है। तो मौसमी और संतरा उसका मेन फल है, एक बात। दूसरी बात, भोजन के बाद तिल और जीरा, सफेद तिल और काला तिल आता है और जीरा आता है, इसमें रिच कैल्शियम है। और भोजन के बाद हम एक एक चम्मच तिल और जीरा रोजाना अगर नियम से खाते हैं तो आपको कहां भी कैल्शियम ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। कच्चा कभी भी ये तेल वाली जो भी चीज है अगर भून लिया तो तेल उसका बेकार हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कच्चा तिल आप खाओगे तो आपके हार्ट को फायदा करेगा, अगर सेक का हुआ तेल खाओगे, भुना हुआ तेल खाओगे तो आपके हार्ट को वो डैमेज करता है। तो तिल और जीरा भोजन के बाद खाना है। यहां ही हमारे लगभग शांतिवन या पांडव भवन से एक भाई साहब मेरे पास आए थे, उनकी 72 ईयर्स की उम्र थी, वो मुझे मिलने आए थे और आकर के मुझे नमस्ते किया था, डॉक्टर साहब आप रियल में डॉक्टर साहब हो? मैंने बोला क्या बात है भाई साहब, उनका नाम मैं सच्ची में भूल गया हूं। उन्होंने बताया कि मुझे काफी 13-14 सालों से मेरे जोड़ों में दर्द होता था और आपका मैंने कैसेट सुना और कैसेट में आपने करी पत्ता के बारे में बहुत बताया है, तो मैंने रोज का 150 ग्राम करी पत्ता 2 महीने तक खाया। उन्होंने बताया कि ये 150 ग्राम करी पत्ता खाने से मेरे सारे जोड़ों का दर्द चला गया, यहां तक कि मेरी 70 साल की उम्र है लेकिन मेरे घिसे हुए दांत बड़े हुए हैं। 70 साल की उम्र में घिसे हुए दांत बड़े होना माना कि कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होना, माना कि मेरा जो पॉइंट है लाइव कैल्शियम खाएंगे तो शरीर में एब्जॉर्ब होता है। दूसरा एक बेसिक साइंटिफिक पॉइंट है, हम सुबह में 10 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद 20 से 25 मिनट अगर धूप में बैठते हैं तो धूप में बैठने से हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्टिव होती है और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन शरीर में पैदा करती है और छोड़ती है उन्हीं हार्मोन से हमारे शरीर में विटामिन डी जनरेट होता है। विटामिन डी जो जनरेट होता है अगर हम रोजाना हमारे आहार में सिलिकॉन माना काकड़ी का तत्व डालते हैं तो विटामिन डी और सिलिकॉन के मिश्रण से कैल्शियम सेल जनरेट होकर के हमारे बोन में कैल्शियम आ जाता है। इसलिए सुबह धूप में और शाम को 20 मिनट धूप में बैठना चाहिए। इसके सिवाय ड्रम स्टिक सरगवा के सिंग जो बोलते हैं उसमें भी काफी मात्रा में कैल्शियम है, फूल गोभी के पत्तों में काफी मात्रा में कैल्शियम है, हर एक पत्तों में कैल्शियम बहुत मात्रा में है। इनको जैसे जैसे मैंने ढंग से समझाया उस तरीके से खा सकते हैं। यहां भी अगर कैल्शियम का प्रॉब्लम है तो काफी मात्रा में हमारे पास करी पत्ता पैदा होता है, करी पत्ता की चटनी बना के आटे में गोंध के अगर उसकी रोटी बना के सबको अगर दी जाए तो कैल्शियम का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। फूल गोभी के पत्ते, सिंग पत्ता कड़वा होता है, कड़वा कोई भी चीज शरीर में आर्थराइटिस क्रिएट करता है, इसलिए सिंग पत्ता नहीं खाना है, करी पत्ता खाना है, फूल गोभी का पत्ता अच्छी तरह से धो करके, यार हमारे यहां ही फूल गोभी के कुछ पौधे लगाए जाए और